बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा चुके विकी कौशल ने भारतीय सेना के लिए अपने जीवन की पहली रोटी बनाई है। विकी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में विकी भारत चीन बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में तवांग में दिखाई दे रहे हैं। विकी ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी की पहली रोटी जो बनाई है वो भारतीय सेना के लिए है। इन तस्वीरों में विकी को भारतीय सेना के कुक के साथ देखा जा सकता है। इस तस्वीर के कैप्शन में विकी ने लिखा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भारतीय आर्मी के जवानों के साथ 14,000 फीट ऑल्टीट्यूड पर कुछ दिन बिताने का मौका मिला है। गौरतलब है कि उरी के बाद भी विकी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं जो आर्मी से जुड़े हैं। वे मेघना गुलजार की फिल्म में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म सैम मानेकशॉ की बायोपिक होने जा रही है। सैम पहले ऐसे भारतीय आर्मी ऑफिसर हैं जिन्हें फील्ड मार्शल के रैंक के लिए प्रमोट किया गया था। पिछले दिनों विकी कौशल अनचाहे कारणों से भी चर्चा में चल रहे हैं। बात करें तो विकी कौशल उधम सिंह की बायोपिक और एक हॉरर फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। इसके अलावा वे करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म तख्त का भी हिस्सा हैं। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।